महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमावानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। महताचल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना। अफूगे मालूम छ निर्जी और सजीर में सबसे ठूल फर्क क्या हो? शायद यह बात के दोहराने की आवश्यकता लेने होने। हम जो मनुष्य छने हम में ऊर्जा निर्माण करने ताकत हुई और जो ये ऊर्जा निर्माण हुई एक इस्तेमाल हम खुदा के विकास निजी करनो, जमीन बटी अनाज पैद करना निजी करनो, अपन काम करना निजी करनो, बल्कि दोहरा भलाई लीजी करनो। पर क्या आपको को मालूम छ हम में यह ऊर्जा निर्माण ऑक्सीजन बिना न हो सकन, क्योंकि वनस्पति और मनुष्य संबंध बहुत गहरा मानी जा। ये अलग बात है कि यह संबंध कभी हमको दिखाई नहीं दे, लेकिन यह जो अदृश्य संबंध छ अगर यह एक बार टूट जालो तो हम जीवित नहीं रह सकें, क्योंकि खनिज के बिना हम तीन महीने और पानी के बिना हम कुछ दिन तक जीवित रह सकनो, लेकिन हवा के बिना हम एक सेकेंड ले जीवित नहीं रह सकन। अगर आज के वातावरण का हम देखनो या फिर आज के वातावरण में हम बात करनो तो हमें क्या एक अल्ल पैद होने वाले जो शिशु छ उन्हें प्रदूषित हवा में सांस न लीजिए मजबूर हो जाए। क्यों जो हवा छ यानी कि ऑक्सीजन वो हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करें, क्योंकि जब हम जन्म लिनो तब बटिक हमारे मृत्यु काल तक हमके हवा अपन शरीर में प्रवेश करन पड़े, हमके बार बार सांस लेन पड़े। और ये बात तो आपको जानता है कि हमारे शरीर में हवा प्रवेश कैसे हो, बिल्कुल हमारे श्वसन तंत्र है और हम अपने श्वसन तंत्र बारे में कतुक जानो, शायद बहुत कम। तो किला ने आज हम अपने श्वसन तंत्र परिचय करनो, यानी कि आज हम जानो श्वसन तंत्र आखिर छ क्या। श्वसन तंत्र प्रारंभ हो हमारे नाक बटिक और हमारे नाक में बहुत सारा अनगिनत बाल होने। जब ना आपको एन में अपन चेहरा देखने ला तो आपको अपन नाक के भीतर नन नन बाल दिखिन होना। ये जो बाल होने ये ठीक उसी का काम करने जिसके चाह के छन्नी वाल छन्नी काम करे। जब ला हम सांस लेनो तो जो बाल है वो हवा में जतुला धूल धुआं यानी जतुला अशुद्धि छ उन सब को रोक ली और हमारे शरीर में हमारे फेफड़ों में शुद्ध वायु पहुंचना काम करे। जो हमारे श्वसन तंत्र की प्रक्रिया है यह प्रक्रिया के कारण में हमारे शरीर का कुछ अंग बहुत ज्यादा क्रियाशील होने अपन बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाने, जिसके नाक गला और हमें श्वास नलिका, लेकिन एक साथ साथ दाई और बाई श्वास वाहिनी, सूक्ष्म वाहिनी, वायुकोश, ये सब ले फेफड़े के एक महत्वपूर्ण भाग होने जो फेफड़े दगड़ जुड़ी हुई होने और ये हमारे श्वसन प्रक्रिया में अपन अहम भूमिका निभाने। आखिर फेफड़ों द्वारा यह प्रक्रिया करी कैसे दे, मान लीजिए कभी यह अंग काम करना बंद कर दिलो या फिर यह अंग में कई प्रकार दिक्कत उत्पन्न हो जाली, कोई प्रकार रोग उत्पन्न हो जालो तो हमारे जीवन किस प्रकार प्रभावित हो। किला ने इन सब बातों की जानी जो डॉक्टर गोविंद पंगड़िया जी के बटिक उनके बटी हम जानो कि कस के हमारे फेफड़े हमारे जी काम करना और खतुक हमारे जीव महत्वपूर्ण होने। तो चलो इन सब बातों का जानना लीजिए डॉक्टर गोविंद पंगड़िया जी पास। जहाँ तक हमारे फेफड़ों की बात है तो ये हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक हमारे जो छाती थोरेक्स पार्ट कहते हैं छाती में जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसमें एक दाई तरफ होता है और एक बाई तरफ होता है, तो इसके इसको जोड़ने वाला एक पाइप होता है जिसको विंड पाइप कहते हैं, वो हमारे नाक और मुंह में खुलता है। तो जो हमारे शरीर में जो दो फेफड़े हैं उसमें से चूंकि बाई तरफ हमारे जो है हृदय भी होता है, तो जो बाया फेफड़ा है वो हृदय के साथ में जो है अपने को व्यवस्थित करके रखता है, तो दाया फेफड़ा है जो वो जो है अपना अकेला रहता है। तो उसको दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में थोड़ा सा अंतर है जी। वो इतना ही अंतर है कि जो दाया फेफड़ा है उसमें हमारा जो है वो हृदय न होने की वजह से उसको ज्यादा स्पेस मिल जाता है, ज्यादा स्थान मिल पाता है। तो हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, मुख्यतः इनका काम जो है श्वसन का है। श्वसन का मतलब है कि हमें जो वातावरण में हमारे ऑक्सीजन रहती है उसको हमारे शरीर के अंदर लेना है,
तो ये वातावरण से ऑक्सीजन को खींच करके रुधिर को देती हैं, रक्त को देती हैं, वो रक्त जो है फिर हृदय में पहुंचता है, हृदय उसको फिर पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है, फिर पूरे शरीर से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इकट्ठा होती है आती है वो हृदय के माध्यम से जो है फेफड़े को भेज दी जाती है, फेफड़ा फिर उसको वातावरण में वापस भेज देता है। तो मुख्यतया इसका काम हमारा ऑक्सीजन को अंदर लेके शरीर तक पहुंचाना है और शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके वातावरण को वापस दे देना है। जी सर, हमारे फेफड़े की अगर हम संरचना या आकृति की बात करें, सामान्य शब्दों में हम इसको कैसे समझ सकते हैं? सामान्य शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं फेफड़ों को कि ये जो छोटे छोटे गुब्बारे हैं, यदि उनको समूह में बांध दिया जाए और एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए तो करोड़ों करोड़ों छोटे छोटे गुब्बारे जो है समूह में बंधे हुए हैं, और जो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फूल जाते हैं, जब हम सांस बाहर को फेंक रहे होते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं जी। तो ये गुब्बारों के समूह की तरह है। सर, अगर इसके स्थान की बात करें तो फेफड़े हमारे शरीर के किस भाग में होते हैं? उसको अंग्रेजी में थोरेक्स कहते हैं जी। और हिंदी में छाती है। तो ये हमारे गले से नीचे जो है, गले से नीचे का जो हिस्सा होता है उसके चारों तरफ जो हमारी रिब्स होती हैं, जिनको पसलियां हिंदी में कहते हैं, तो पसलियों के अंदर जो जहां जहां तक पसलियां हैं हमारी, तो ये पेट से ऊपर और गले इसके मध्य के भाग को थोरेक्स कहते हैं, और पसलियों के बीच में पसलियों का जो पिंजरा होता है उसके अंदर में दो रहते हैं ये। सर, अगर हम फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो हमारे फेफड़े से जुड़ी हुई कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं? देखिए, फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको बताने में तो बहुत लंबा समय लगेगा ना, लेकिन जो जनरली हमारे पहाड़ से संबंधित जो महिलाओं की बीमारियां हैं उनको समझेंगे तो एक सामान्य जो सर्दी जुकाम है ना जी। उसके बाद भी जो खांसी हो जाती है तो उसमें जो है फेफड़े का संक्रमण हो जाता है। तो फेफड़े का संक्रमण जो है या तो वायरस से भी हो सकता है जो अपने आप थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है, या बैक्टीरिया से हो सकता है जिसको फिर कहते हैं कि ये सामान्यतः जो है खांसी के रूप में बलगम जब बाहर आएगा तो ये ठीक हो जाएगा 4-5 दिन के अंदर में, यदि यही बिगड़ेगा तो ये निमोनिया का रूप ले सकता है। तो यदि समय पे हमने इसका इलाज नहीं किया या यदि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो ये निमोनिया का रूप भी ले सकता है ना इसमें जी। और इसके अलावा जो हमारे जो पहाड़ में होने वाली जो विशेषकर जो बीमारियां हैं, वो चूंकि हम लोग अभी भी जो है ग्रामीण परिवेश में जो है धुएं वाले चूल्हों का ही प्रयोग कर रहे हैं ना जी। तो उससे जो है उनका श्वास संबंधी बीमारियां होने की संभावना रहती है, जिसमें ज्यादातर जो है अस्थमा और ये जो इस तरह की बीमारियां हैं ना जिनमें सांस चढ़ने लगती है तो वो होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जो धुआं और ये धूल की वजह से ज्यादा है तो ये समस्या हमारे यहाँ ज्यादा है। इसके अतिरिक्त जो सबसे मुख्य समस्या अभी हमारे देश में और प्रदेश में है वो है कि तपेदिक, जिसको हम सामान्य भाषा में टीबी कहते हैं, तो ये भी हमारे फेफड़े की मुख्य समस्या है। इसमें जो है यदि इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि इसका शीघ्र से शीघ्र इसका पता कराया जाए, तो उसके लिए हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में बलगम परीक्षण की जो है सुविधा है। इसके लिए बहुत जो है प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो 2 सप्ताह से ज्यादा की यदि खांसी होती है तो इसमें जो है टीबी होने की संभावना ज्यादा होती है। 2 सप्ताह से ज्यादा की खांसी हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है या ऐसी महिला को तुरंत बलगम परीक्षण कराएंगे और उसमें पता चल जाएगा कि हाँ यह तपेदिक से ग्रसित है। तो इसमें जितनी भी हमने बीमारियां बताई, चाहे वो खांसी की बीमारी हो या इसमें निमोनिया हो या टीबी हो, तो इन सब का इलाज बहुत आसानी से संभव है। टीबी का तो जितनी जल्दी, यदि तपेदिक जिसको कहते हैं, यदि इसका जितनी जल्दी पता चलेगा उतना ही अच्छा इसमें कारगर इलाज होगा। बस इसमें एक ही हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है कि जैसे ही दवा शुरू होती है तो फिर पूरा कोर्स किए बिना इसको छोड़ना नहीं पड़ता है जी। और ये ज्यादातर जो है इसमें 100% हमारा निदान हो जाता है जी। सर, हमारी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में कई काम करती हैं, तो क्या महिलाओं का कुछ ऐसे काम करने का तरीका या उनका कुछ ऐसा व्यवहार जिससे हमारे फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचता हो? हाँ, नंबर एक तो ये है कि जो हमने कहा कि जो चूल्हे ऐसे हैं हमारे जिनमें हम अभी भी लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका धुआं जो है
चाहे हम गाय के लिए वो बना रहे हों या अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हों या खेतों में जो है घास जला रहे हों, इस तरह से वो धुएं के संपर्क में बहुत ज्यादा आती हैं। दूसरा क्या है कि हमारे जो पहाड़ी परिवेश में है इसमें जो पुरुष हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है बीड़ी सिगरेट का प्रयोग करते हैं, तो और बीड़ी सिगरेट यदि घर के अंदर पी रहे हैं वो अपने उसको तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ में जो घर के अंदर रहने वाली महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनको पैसिव स्मोकर कहते हैं जी। तो एक तो एक्टिव स्मोकर होता है जो खुद ही पी रहा होता है, तो उसको तो नुकसान नहीं है, वो तो कैंसर की ओर बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ में वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी कैंसर के दरवाजे की ओर धकेल रहा है। तो ये जो पैसिव स्मोकिंग है ये बहुत खतरनाक होती है। तो मैं तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त लोगों को कहना चाहूंगा कि पहले वो धूम्रपान का त्याग करें, यदि बहुत ही जरूरी है उनको धूम्रपान करना तो बाहर जाकर के धूम्रपान करें, घर के अंदर बिल्कुल धूम्रपान न करें, क्योंकि ये तो आप अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति जो है दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा, जहां तक हो सके अपने जो LPG गैस है गैस का ही प्रयोग करें, जो धुएं युक्त जो चूल्हे हमारे हैं उनका कम से कम प्रयोग किया जाए, और यदि कहीं पे धुएं वाली जगह में हम जा रहे हैं तो हम अपना मुंह जो है साड़ी से ढक सकते हैं उस समय, तो धुएं वाले स्थान में नहीं बने रहना है। सर, जैसे आपने कहा कि हमारे फेफड़ों को तपेदिक का खतरा रहता है, कभी कभी संक्रमण का खतरा रहता है, तो इनसे महिलाएं अपने फेफड़ों की रक्षा कैसे कर सकती हैं, क्योंकि अक्सर जंगलों से कहें या फिर गाय बच्चों के साथ काम कहें महिलाओं को ही करना पड़ता है, तो वो किस तरह बच सकती हैं? नंबर एक तो है कि अपने खुराक जो उनका जो खान पान है उस पर विशेष ध्यान रखें। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति जो है खांसी इससे पीड़ित है तो उससे दूरी बना के रखें अपनी, और खांसी है उनको तो उसके लिए शीघ्र जो है अपना बलगम परीक्षण करके पता कराएं कहीं वो तपेदिक से जो है ग्रसित तो नहीं है, और उसका इलाज जो है 100% उसका इलाज जो है संभव है यदि हमने समय रहते उसका इलाज शुरू कर दिया। तो इन सब चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही एक सामान्य सर्दी जुकाम और खांसी शुरू हो उनको तो उनको चिकित्सकीय परामर्श लेके तुरंत उनको जो है अपना उपचार शुरू कराना है। और सबसे मुख्य बात है कि धुएं वाली जगह से धूल वाली जगह से इनसे अपने को बचना, यदि गौशाला में जाती हैं भूसे का काम कर रही होती हैं तो अपने मुंह को ढक के रखें वो, और घर के अंदर में पतिदेव देवर जेठ ये लोग यदि बीड़ी सिगरेट का सेवन कर भी रहे हैं तो सारे लोग सारी महिलाएं मिलकर के उनको बताएं कि भाई हम लोगों को भी इससे नुकसान है, तो आप शालीन भाषा में उनको समझाने की कोशिश करें जी। तो यही मुख्य उपाय है इसमें। सर, जैसे आपने आहार की बात भी कही थी, सर मतलब अगर हम कुछ सामान्य रूप से कहें हमारे फेफड़ों के लिए किस तरह के आहार उपयोगी होते हैं? मुख्यतः जो हमारे विटामिन सी विटामिन ए से जो भरपूर हैं, प्रोटीन इन सब से भरपूर हमारे जो पदार्थ हैं, तो स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध हमारे जैसे संतरा माल्टा वाले जो साइट्रस फ्रूट होते हैं जो विटामिन सी वाले, उनका नियमित सेवन करें, और जो पीले फल होते हैं उनका नियमित सेवन करें, और अपना जो लोहे की कढ़ाई है उसमें बना हुआ खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं जिसमें कि हमको आयरन की पूर्ति होती रहेगी, विटामिन ए मिलेगा, विटामिन सी मिलेंगी, साथ में जो अपने प्रोटीन के लिए हैं अंडा दूध इस तरह के, मतलब ये परिवार के अपने अन्य सदस्यों को तो खूब देती हैं अपना नहीं खाती हैं, तो इन लोगों को अपने लिए भी उतना ही जो है जागरूक होना पड़ेगा। तो यदि इस तरह से अपना पोषण रखेंगी सामान्य जो अपना पोषण है, और पानी का प्रयोग करें, यदि स्वच्छ पानी नहीं है तो उबले हुए पानी का प्रयोग करना चाहिए, और जिससे कि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यदि बढ़ेगी और बनी रहेगी तो ये न तपेदिक हो सकता है उसमें न अन्य बीमारियां होंगी। ये बीमारियां तब ज्यादा व्यक्ति को जो है अपने गिरफ्त में लेते हैं जब व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो साथ साथ में हमारे ये है कि ये तो हमने अपने खान पान से और जो वातावरण में उत्पन्न परिस्थितियां उनको बदलने से, तो इन सब में ज्यादातर जो बीमारियां हैं इनसे बचने के लिए हमारे पास सरकार के द्वारा दिए गए टीके भी उपलब्ध हैं। तो जैसे ही अपने घर में कोई बच्ची पैदा होती है या बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही जन्म टीका के रूप में BCG का प्रयोग करें वो, और जो DPT है या आजकल पेंटा उसकी जगह में लग रहा है पेंटा के इंजेक्शन लगवाएं। नियमित टीकाकरण में अपनी ANM बहन जी आशा और आंगनवाड़ी बहन जी की मदद से नियमित टीकाकरण करेंगे तो वो भी बचाव का एक बहुत ही कारगर तरीका है। और तो यदि हम प्रतिरक्षण हम अपना बचपन से ही अपना शुरू कर देंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे,
समाज में जो बुरी चीजें हैं उनको दूर कर देंगे। जैसे उसमें मुख्यतः हमारा जो है सिगरेट और बीड़ी का सेवन है, तंबाकू का सेवन है, और जो ये धुएं वाली जो हमारे चूल्हे जो पारंपरिक चूल्हे हैं इनका प्रयोग बंद करेंगे तो फेफड़ों की जो समस्याएं हैं उनसे वास्तव में हम जो है निजात पा सकते हैं या कम से कम उसको किया जा सकता है। देखो डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें बताई होंगे, फेफड़ों द्वारा कसके सांस ग्रहण करीजे और कसके हमारे सीधा अन्य अंगों तक पहुंचाईजे। एक साथ साथ फेफड़े मानव शरीर जी कतु महत्वपूर्ण है और अगर फेफड़े न होला तो हमारे जीवन कसके प्रभावित हो, कसके हम अपने फेफड़ों की रक्षा कैसे हो, ये बातें हमारे डॉक्टर साहब को बटी जाने। फेफड़ों में शुद्ध वायु प्रवेश बहुत आवश्यक हो, क्योंकि अगर हम वातावरण बटी अशुद्ध वायु लूला तो भी प्रभाव सीधे सीधे हमारे फेफड़ों में पड़ा, और अगर फेफड़े हमारे संक्रमित हो जाला तो हमारे शरीर अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुंचने बवा जल हमारे शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाए और एक सीधे सीधे असर पड़ा हमारे स्वास्थ्य पर। और जिसके डॉक्टर साबुल ने बता कि अगर हमारे शरीर में स्वस्थ वायु नहीं जाली तो कसके हम प्रभावित हो सुनो, लेकिन एक के साथ साथ डॉक्टर साबुल कुछ अन्य बीमारी ने बताई जो हमारे फेफड़ों बटी जुड़ी हुई होने और जो धीरे धीरे आज हमारे समाज में बढ़ते जाने, जिसके टीबी, कैंसर, दमा, यू सब हमारे फेफड़ों बटी संबंधित बीमारियां होने, लेकिन यू बीमारियां हमारे शरीर अन्य अंगों में हो सकने। दमा तो केवल हमारे फेफड़े में हो, लेकिन टीबी और कैंसर हमारे शरीर अन्य अंगों को प्रभावित कर सको। पर अगर कुछ आंकड़े देखी जो तो उन आंकड़ों के अनुसार 80% जो इस तरीके की बीमारियां होने, चाहे टीबी हो, कैंसर हो, ये हमारे फेफड़ों में ज्यादा होने, मतलब फेफड़ों में ज्यादा संभावना है इन रोगों को पकड़े। तो अब हम महताचल कार्यक्रम के सफर में जानूं कि कस कस तरीके की बीमारी हमारे फेफड़ों में हो सकने, यानी कि हम ये जानने का प्रयास करूँ कि को बीमारियां हमारे फेफड़ों पर जुड़ी हुई होने और कस के हम बीमारियों बच सकूँ। आ जा लीजिए बस इतुके, लेकिन बारिश का मौसम संग अफुगला मालूम की आषाढ़ शुरू होगा और आषाढ़ जो बादल से घुमड़ घुमड़ आते थे, और मैं यह जाते जाते उम्मीद करूँ अपन दीदबेणिया बटीक की ऊँ या बरसात मौसम में अपन स्वास्थ्य ध्यान दिया और बारिश में ज्यादा भिगने बचाल, किले की अगर वो ज्यादा भिजला तो वील उन्हें स्वास्थ्य प्रभावित हो, और स्वास्थ्य अगर उन्हें प्रभावित हो तो बीमार पड़ा और अपन स्वास्थ्य का पहले ख्याल नहीं दे सका, वील क्या धीरे धीरे कमजोरी बढ़े। तो मैं उम्मीद कर मेरे खास तौर पर गुजारिश है थोड़ा सा यो चौमासक समय छ अपन स्वास्थ्य का खूब ख्याल कर ला और अपन परिवार स्वास्थ्य ले। यही उम्मीद के साथ में मैं दिया इजाजत, अफुदगढ़ फिर से करूँ मुलाकात, तब तक नमस्कार।